भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिन के गुजरात प्रवास पर हैं और इस वक्त वो केवड़िया में ही मौजूद है। और केवड़िया में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में द स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी सरदार पटेल की जो 182 मीटर ऊंची विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति के सामने परेड ग्राउंड है, वहां पर अब परेड होगा और प्रधानमंत्री खुद इस परेड की सलामी लेंगे। फिलहाल इस परेड के लिए जितनी भी फोर्सेस यहां पर आई हैं वो परेड के लिए असेंबल हो रही हैं। और इस परेड की खास बात यह है कि इस पे गुजरात पुलिस के अलावा एनएसजी के जवान होंगे, सीआईएसएफ के जवान होंगे, सीआरपीएफ के जवान होंगे, बीएसएफ के होंगे और फोर्सेज फिलहाल असेंबल होनी शुरू हो चुकी है। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये सीआरपीएफ के जवानों की है जो परेड के लिए असेंबल हो रहे हैं। उसके बाद ये बीएसएफ की टुकड़ी है, बीएसएफ की टुकड़ी भी पूरी तरह से तैयार है। इसके बाद सीआईएसएफ का बैंड है, ये अब आप बीएसएफ की तस्वीरों को देखने के बाद अब ये सीआईएसएफ का बैंड देखिए जो पूरी तरह से वेल ड्रेस्ड होकर तैयार है। और थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री का आगमन होगा तो उनका स्वागत इसी बैंड की ध्वनि से किया जाएगा और बेहद गौरवशाली पल होगा जब जो भारत के यशस्वी वीर जवान हैं वो भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत अपने इस बैंड से करेंगे। और इस तरफ गुजरात पुलिस, एनएसजी और तमाम फोर्सेज जो हैं वो आपको नजर आ रही होंगी। तो तमाम फोर्सेज सज धज कर तैयार हैं। उधर आगे की तरफ घोड़े भी बुलाए गए हैं, जो अब वो घोड़े वाली टुकड़ी है वो इस तरफ आगे की तरफ बढ़ रही है, वो भी आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं फिलहाल। और ये सीआरपीएफ की टुकड़ी है जो पूरी तरह से तैयार है। कोशिश यही है कि इस मौके को 145वीं जयंती को बेहद खास बनाया जाए, क्योंकि ये मौका इसलिए भी खास है, खुद भारत के प्रधानमंत्री इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद उन्हें आज परेड की सलामी लेनी है। और इसके बाद वो जो सबसे मुख्य योजना है आज की उस योजना का शुभारंभ करेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि ये गुजरात पुलिस के जवान हैं जो पूरी तरह से तैयार हैं। और इधर आप देखिए कि इन तस्वीरों को देखकर कितना गौरव का एहसास होता होगा। और ये घोड़े की टुकड़ी और आगे आप देखेंगे तो ऊंटों के साथ सजी धजी जो फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। तो फिलहाल मिलाजुला कर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है। थोड़ी देर बाद यहां पर परेड शुरू हो जाएगी, परेड की सलामी लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद होंगे और वो पल बेहद खास है क्योंकि आज मौका सरदार पटेल की 145वीं जयंती का है। और इस मौके को खास बनाने के लिए गुजरात सरकार और देश के प्रधानमंत्री ने कोई भी कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ी है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, केवड़िया, गुजरात। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।